Today we are reading a new point of subgrammatical point. The point is notice writing marks for word limit 50 words. कक्षा 12th इंग्लिश के अंदर ये पॉइंट चार नंबर का आता है, जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। ये राइटिंग का मैटर है जिसके अंक होते हैं चार और सब सीमा 40 या 50 तक होती है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें, किसी परिभाषा में बाउंड करें, तो डेफिनेशन इसकी होगी, जब कोई अति महत्वपूर्ण सूचना अति शीघ्र, जब कोई अति महत्वपूर्ण सूचना अति शीघ्र बहुत सारे लोगों को एक साथ दी जाती हो, तो हम वहाँ पे नोटिस राइटिंग का यूज करते हैं। तो नोटिस राइटिंग के समय हमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है कि हम किन किन बिंदुओं को अपने ध्यान में लें। तो पहला रूल नंबर एक, एडवाइस रूल नंबर वन में ये हुआ कि सबसे पहले नोटिस जारी करने वाले संस्था या संस्थान का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। नियम नंबर एक, सबसे पहले नोटिस जारी करने वाले संस्था या संस्थान का नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नंबर दो, रूल नंबर नियम नंबर दो दो में नोटिस के ठीक नीचे, नोटिस के ठीक नीचे जो नोटिस जारी करता है उस संस्थान का स्थान लिखते हैं। जैसे हमारा श्याम स्कूल, वो नोटिस जारी करता है छात्रों को कोचिंग के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, तो स्थान का नाम होगा भादरा, स्थान का नाम भादरा लिखा जाएगा। नियम नंबर तीन, रूल नंबर तीन, नियम नंबर तीन, नोटिस के ठीक स्थान के ठीक नीचे नोटिस शब्द कैपिटल लेटर में लिखकर अंडरलाइन करते हैं। स्थान के ठीक नीचे नोटिस शब्द लिख करके अंडरलाइन करते हैं या फोर लाइन करते हैं, अंडरलाइन किया जा सकता है या फोर लाइन भी की जा सकती है। रूल नंबर चार में रहेगा, नोटिस के ठीक लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट दाएं तरफ नोटिस जारी करने का दिन या दिनांक। जैसे आज 24 और 24 जुलाई 2020 ये लिखा जाता है, इसको लेफ्ट भी लिखा जा सकता है, राइट भी लिखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रूल नंबर फाइव, इसके बाद नोटिस के ठीक नीचे नोटिस से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना या महत्वपूर्ण पंक्ति कतार दी हुई वो लिखते हैं। जैसे हमारा विद्यालय गांधी जयंती का आयोजन करने जा रहा है या एनुअल फंक्शन का आयोजन करने जा रहा है, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जैसे एनुअल फंक्शन तो एनुअल फंक्शन शब्द को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, सिंगल कोमा में रखा जाता है। इसके बाद रूल नंबर फाइव, नियम नंबर पांच में देखेंगे, नोटिस को खूबसूरत और सुंदर संक्षिप्त लगभग 50 शब्दों में निम्न प्रकार से शुरू की जाती है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्मड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू। दो शब्द आएंगे, एक तो आयोजन किया जाता है और एक मनाया जाता है। तो सबसे पहले आवर स्कूल इज सेलिब्रेट मनाना, और या ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज, ये दो शब्द दोनों में से, जैसे गांधी जयंती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसका सेलिब्रेशन होता है, और जो पल्स पोलियो कैंप है उसका आयोजन किया जाता है, तो इन शब्दों को इस प्रकार से लिखा जा रहा है। इसके बाद नोटिस से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम यहाँ इसके अंदर इनपुट करते हैं। पूरा का पूरा जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर मिलता है। आगे नीचे लिखा जाता है यहाँ पे, मैं कोमा लगा, मैं गिव देयर नेम्स टू द अंडर साइनड मीन्स द वर्ड इज रिलेटेड टू इंग्लिश, इट मीन्स इन हिंदी अधो हस्ताक्षर करता, अधो हस्ताक्षर करता, अधो हस्ताक्षर करता, इट मीन्स अधो मीन्स अंडर नीचे, हस्ताक्षर करता नीचे हस्ताक्षर करने वाला, और अंत में जो व्यक्ति रूल नंबर सिक्स, अंत में जो व्यक्ति सूचना जारी करता है, जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन देता है, उसके नीचे सबसे पहले पद प्रिंसिपल, इसके बाद संस्था या संस्थान का नाम श्री श्याम स्कूल, श्याम स्कूल बादरा, इसके बाद इसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं। संस्था प्रधान माननीय अमरनाथ जी शर्मा हैं तो उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, और इस प्रकार से ये चार नंबर का पॉइंट है। और देर आर सिक्स रूल टू राइट द पॉइंट नोटिस राइटिंग, देर आर ओनली सिक्स पॉइंट टू राइट द पॉइंट। जैसे एनिमल फंक्शन, तो सबसे पहले संस्था संस्थान का नाम श्री श्याम सिन्हा हायर सेकेंडरी स्कूल भादरा, इसके बाद हम लिखते हैं नोटिस, नोटिस को अंडरलाइन या फोरलाइन करते हैं, नोटिस के ठीक राइट साइड में लिखते हैं डेट लिखते हैं, और नोटिस जारी की जाती है वो पाँच दिन पहले, जैसे हमने एनुअल फंक्शन 10 मार्च को है या 5 मार्च को है, तो हम बच्चों को 5 दिन या 10 दिन पहले सूचना दें। नोटिस का नियम है कम से कम 5 दिन पहले सूचना दी जाती है। जैसे गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर, तो इसकी सूचना 5 दिन पहले 5 सितंबर को दी जाती है। तो जैसे हमने ये पॉइंट लिखा था एनुअल फंक्शन, तो ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्मड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन ऑन 10 मार्च 2020 इन आवर स्कूल कैंपस, द स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट द एक्टिविटी ऑफ द एनुअल फंक्शन मेक यू देयर नेम्स टू द अंडर साइन, लाइक दैट वी कैन राइट द पॉइंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और 4 नंबर का डेफिनेटली कक्षा 12 के अंदर आता है। और इसके बाद नंबर 2 देखते हैं अपने, ये पॉइंट दी एंड द नेक्स्ट पॉइंट पोस्टर राइटिंग। नंबर 2 पोस्टर राइटिंग मार्क्स फॉर नंबर 2 पोस्टर राइटिंग मार्क्स फॉर वर्ल्ड लिमिट होगी आप 30 to 50। सबसे पहले डेफिनेशन परिभाषा में अगर हम इस पॉइंट को बाउंड करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पोस्टर। पोस्टर एक एडवर्टाइजमेंट का सुधरा हुआ रूप है,
अक्सर हम गाड़ी बस में यात्रा करते हैं तो हमें दीवारों पर जगह जगह पोस्टर नजर आते हैं। पोस्टर है उसके शब्द है वह आकार में शेप में साइज में काफी बड़े होने चाहिए ताकि लोगों का ध्यान बल्ब से अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और अब की बार 2020-21 के अंदर डेफिनेटली पोस्टर आएगा। और आज पूरी दुनिया जिस समस्या से जूझ रही है वो जो हाईलाइट जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कोरोना, इस पर पोस्ट आएगा डेफिनेटली। और हम पोस्ट को किन नियमों में लिखे, नियम नंबर एक, सबसे पहले हमें पोस्ट का टाइटल यानी शीर्षक लिखना चाहिए। सबसे पोस्टर जैसे हम कोरोना पे तो सबसे पहले पोस्ट लिखने जैसे कोरोना वायरस इस पे लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये इसका टाइटल होगा, शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद दो नंबर पोस्टर में महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन किया जाना चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु है उसको कैन बी अंडरलाइन। नंबर तीन पोस्ट में शब्दों का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि देखने वाला शीघ्र उसकी तरफ आकर्षित हो सके। नंबर तीन और चार पोस्ट के अंदर पोस्ट से संबंधित चित्र भी बनाने चाहिए, जैसे हम कोरोना वायरस है उसका चित्र भी बनाया जा सकता है, जैसे ये है कोरोना वायरस का चित्र बनाया जा सकता है। और पोस्टर इतना आकर्षित होना चाहिए ताकि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो सके। तो पोस्टर है अब के 2021 के अंदर ये पोस्टर डेफिनेटली कक्षा 12th के सिलेबस का महत्वपूर्ण पार्ट है, ये आएगा। अब कोर्स में जब पोस्ट लिखे तो एक चीज जब स्टार्टिंग करते हैं तो ये बात है, नंबर सबसे पहले हम लिखते हैं स्टार्टिंग में लिखते हैं कि कीप इन माइंड दिमाग में रखो। और यहां नंबरिंग रूल जानते हैं, एक नंबर जैसे कोरोना संबंधित है, कोरोना इज ए वर्ल्ड वाइड डिजीज। कोरोना एक विश्व महामारी है, और इस प्रकार से दो नंबर इससे संबंधित पॉइंट बांटते चले जाते हैं। हमें जैसे दोनों पॉइंट है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, हमें ए प्रॉपर यूज मास्क का यूज करना चाहिए। इस प्रकार से पोस्ट के अंदर नंबरिंग डालना बहुत जरूरी होता है। और अंत में पोस्टर जारी करने वाली संस्था या संस्थान का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है या एक लाइन लिखी जाती है इश्यूड बाय जो भी संस्था है, जैसे श्याम स्कूल है, कोई लियो क्लब है, कोई सोशल सोसाइटी है, उसका नाम यहां दिया जा सकता है। इस प्रकार से इस 5 मिनट के माध्यम से पोस्टर बना सकते हैं। और ये कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और एक सबसे पहले एडफर्स्ट स्टूडेंट को मस्त ध्यान है कि कितने नंबर का है और इसकी वर्ल्ड लिमिट कितनी है, सब सीमा कितनी, इन चीज़ों का ख्याल रखें तो हमें बढ़िया मार्क्स ले सकते हैं। ये दो चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए। फॉलो श्याम स्कूल्स टीचर टीचिंग्स। थैंक यू।